हमने आर्नोल्ड्स का लेग्स वर्कआउट ट्राई किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी था और आज मेरी लेग्स की पूरी हालत ख़राब हो रखी है। लेग्स डे के बाद मैं रेस्ट एक दिन रेस्ट रखता हूँ, सो उसमें लाइक कार्डियो, एक्टिव कार्डियो हो गया या फिर HIIT। बट जो कल वाला सेशन था वो काफ़ी हैवी रहा था, सो आज मुझे लगता नहीं कि मैं HIIT करूँगा। और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जो कि मसल रिकवरी में हम यूज़ करते हैं, लाइक कोल्ड आइस बाथ हो गया, सोना स्टीम हो गया, मसाज हो गया, टिश्यू थेरेपी हो गई। ये सारी चीज़ें हैं जो ये सब मेथड्स हम करते हैं मसल रिकवरी के लिए। सो सबसे इजी जो इसमें है वो मुझे लगता है फोम रोलिंग। सो काफ़ी सस्ता और काफ़ी इजीली आप कर सकते हो, जिम में फोम रोलर मिल जाता है इजीली, और नहीं है तो आप परचेज कर सकते हो कहीं से भी, बहुत इजीली मिल जाता है अमेज़ॉन पर। सो और उसको फिर आप बार बार यूज़ कर सकते हो। सो कोल्ड थेरेपी मेरी फेवरेट है, बट कोल्ड थेरेपी यहाँ पे थोड़ा सा उतना पॉसिबल हो नहीं पाता करना। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा 5 to 10 minutes साइकिलिंग करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, फिर सेकंड मैं आपको करके दिखाऊंगा कंप्लीट फोम रोलिंग फॉर लाइक क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, इनर थाइस, आउटर काफ्स, शिन्स, कंप्लीट लेग्स रिकवरी डे। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए। मसल शोर हो रहा होता है पूरा हैंड, आप नहीं मूव कर सकते। सो कल हमारा लेग्स सेशन था, काफ़ी हैवी था, और आज मेरी लेग्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रखी थी मॉर्निंग में। सो बजाय रेस्ट करने की, आप अगर एक्टिव रेस्ट करते हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हो, साइकिल करते हो आप लेग्स के लिए, या आपके अपर बॉडी शोर है तो उसमें कुछ आप चिन अप्स, पुन अप्स, कुछ एक्टिविटी ऐड करते हो, सो वो आपके रिकवरी प्रोसेस को फास्ट कर देता है, क्योंकि ब्लड फ्लो उन मसल्स पे जाता है, सो न्यूट्रिएंट्स उन मसल्स को पूरा मिल पाता है, तो उससे प्रोसेस जो है आपका फास्ट हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग, डू सम एक्सरसाइज, डू सम वेरी लाइट एक्टिविटी।